तो ये देखे दोस्तों, समंदर के किनारे पे बिल्कुल पास ही आ गया हूँ मैं। ये लहरें हैं, ये आ रही हैं, बहुत ही खूबसूरत है। थोड़ा दूर है पानी, पानी तो यहाँ तक आ गया है नज़दीक, लेकिन लहरें थोड़ी दूर है, लहरें दिखा नहीं सकता मैं आपको। रब दे दे तौफीक मुझे, पाबंद शरीयत हो जाऊं। सामने बहुत ज्यादा भीड़ है और मैं थोड़ा सा भीड़ से दूर हूँ यार, इसलिए भीड़ के अंदर अपनी गेम नहीं कर सकता ना। तो ये देखें, ये काफ़ी एरिया खुला है, आसपास कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है। तो मैंने सोचा यहीं पर स्टैंड लगाता हूँ, अकेला ही हूँ, इसलिए अच्छे से जितनी भी हो सकती है करते हैं यार गेम। मैं राज अमल को फिर पहुंचूं और बहरे इल्म में खो जाऊं। तो गेम कर लिया, जैसे कि आपने देखा है, तो थोड़ा सा समुंदर का भी नज़ारा हो जाए और मगरब की अजान हो रही है। और अभी वापस चलते हैं, अभी मुल्तान आएंगे गांव में, फिर काम पर चले जाएंगे। तो यहाँ अहमद भाई और अहमर भाई को छोड़ने आया था, वो छोटे भांजे हैं मेरे, तो इसलिए मैंने सोचा साथ थोड़ी गेम हो जाए, समंदर का नज़ारा भी हो जाए। ये ऊँट की सवारी भी बड़ी खूबसूरत होती है। और ये देखिए, सर शार रहे सजदों से जबी और दिल ईमान की हलावत से। दोस्तों आप देख रहे हैं, अभी शाम हो गई है और मैं आया भी इधर अकेला ही था यार, तो इसलिए एक छोटे से बच्चे को 50 रुपया देकर वीडियो बनाई है। वो अकेला बंदा तो नहीं बना सकता, इसलिए ना मैंने उसे कहा यार 50 रुपया तुम्हें दूंगा, वीडियो बना दे। उस बच्चे का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये देखो काफी समंदर, ऊंचाई यहाँ जमीन से काफी ऊपर लग रही है। ये यहाँ पर, ये जो जमीन जहाँ पर मैं चल रहा हूँ, काफी नीचे है, तो देख सकते हैं आप। काफी अंधेरा हो गया इसलिए आपको सही दिखा नहीं सकता मैं। तो इतना ही था यार बस, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक भी किया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अरे फेस की खसलत छोड़ूं मैं, इखलास से रिश्ता जोड़ूं मैं।